हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं सोच रहा हूँ न्यू लोकेशन पर चलिए और आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, तो मैं आज सोच रहा हूँ कि चलो चलते हैं और एंजॉय करते हैं। आपको भी कराता हूँ और मैं भी करता हूँ। चलो, अब हमको भूख लगी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि पूड़ी यहाँ बन रही है, पूड़ी सब्जी, क्योंकि देखो काफ़ी लोग खा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ये पूड़ी सब्जी लेके खाना खा लूँ, लंच कर लूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों भूख बहुत ज़्यादा लग गई यहाँ। पूड़ी भैया दे दो पूड़ी। हेलो, पूड़ी दे दिया तो पूड़ी तो अच्छी है इनकी, 20 की 4 और 30 की 7 दे रहे हैं, तो ठीक रेट लगा रहे हैं। आगे देखता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सब्जी है और ये पूड़ी है, 7 पूड़ी 30 रुपये का दे रहे हैं, 30 रुपये का। 30 की लगाओ 30 की। तो ये देखिए पूड़ी सब्जी मैंने ले लिया, ये 20 रुपये का 4 पूड़ी इन्होंने दिया है। अभी और भी यहाँ लड़के हमारे साथ हैं जो खाना खा रहे हैं। दोस्तों आगे हम भी अब खाना, पूड़ी सब्जी तो अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन देखता हूँ क्या टेस्ट है। दोस्तों अब सोच रहा हूँ मैं पूड़ी सब्जी खाऊं, क्योंकि तो भूख बहुत लगी है। फिर यहाँ से निकलते हैं। पूड़ी सब्जी तो अच्छी टेस्टी है इनकी। मैं अब खाना खा चुका हूँ, अब थोड़ा मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर अगला काम देखता हूँ क्या, अब आगे चलता हूँ। कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, क्या सुंदर है। आप देखिए खूबसूरती का कोई अंत ही नहीं, बहुत सुंदर जगह है दोस्तों। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, सब लोग बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा बैठने के लिए रेस्टोरेंट टाइप का है, बहुत अच्छी जगह है। शहद का डिब्बी लेना है तो पंडित जी, पंडित जी शहद का डिब्बी कितने का दे रहे हैं? 250 ग्राम 95 रुपये। 295 रुपये का, देखिए 295 रुपये का है बाबा रामदेव की शहद। चलो ठीक है पंडित जी, दे दो। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और आगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं साइकिल चला रहा हूँ, देखिए मैं अपनी रेंजर चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास गाड़ी उड़ी तो है नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आया, मेरा नेट नहीं आ रहा एयरटेल का, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये शॉप है, तो शॉप पर मैं भैया से पूछता हूँ कि आज नेट नहीं आ रहा, क्या बात है, मेरा सवेरे से एयरटेल का नेट नहीं आ रहा। अच्छा भैया बताइए कि एयरटेल में नेट नहीं आ रहा, क्या बात है, मेरा सवेरे से नहीं आ रहा। एक बार नेट सेटिंग वगैरह ओपन करके देख लो। अच्छा, और फोन सेटिंग वगैरह सही करके देख लो, और उसके बाद फिर रिचार्ज वगैरह चेक कर लो, रिचार्ज खत्म हो गया। हाँ तो अच्छा ठीक है भैया, क्या नाम है मित्रों, मैं तो पूछ लिया भैया से, ये कह रहे हैं कि वो तो रिचार्ज भी शायद ख़त्म हो गया होगा। खैर कोई बात नहीं, अब मैं भैया देख लेता हूँ। मैं हौजरी कम्प्लेक्स में घूमने आया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ हौजरी कम्प्लेक्स में सारी गारमेंट्स की कंपनियाँ हैं। थोड़ा मेरा काम था तो मैं सोचा चलो वहाँ थोड़ा घूम के आऊँ, आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ आगे। तो मैं आ गया हूँ, अब यहाँ पर देखिए ये रेहड़ी वाले हैं, बिस्कुट वगैरह बेचते हैं, नमकीन वगैरह, ये आंटी हैं, इनकी चाय की दुकान है देखिए। तो आंटी से पूछता हूँ, एक बिस्कुट लेना है, तो देखता हूँ कितने का। आंटी ये बिस्कुट कैसे दे रही हो? अच्छा ये 5 का है। दोस्तों देखिए पार्ले बिस्कुट है, ये 5 का है। 10 का कौन सा है? अच्छा तो दोस्तों मैं 5 रुपये वाला बिस्कुट ले रहा हूँ, एक देखिए 5 रुपये का बिस्कुट है आंटी का, ये इनका दुकान है। दोस्तों देखता हूँ, अब पैसे देता हूँ आंटी को, पैसे तो दे दिए ना, तो अब मैं पैसे तो दे दिया हूँ। ठीक है आंटी, तो मैंने 5 रुपये का बिस्कुट ले लिया है, अब खाते हैं बिस्कुट, थोड़ी देर बैठ के अरेस्ट करता हूँ और खाता हूँ बिस्कुट बैठ के, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं थोड़ा बिस्कुट खा लेता हूँ, फिर चलते हैं, इंजॉय करते हैं, चलते हैं फिर आगे, क्योंकि आगे थोड़ा काम है कमरे में, वहाँ थोड़ा काम करवा के फिर आगे निकलता हूँ दोस्तों। देखिए पार्ले बिस्कुट का,
बिस्कुट तो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आज मैं अपना ब्लॉग पूरा कर कंप्लीट करके अब वापस अपने घर आ चुका हूँ और आज हमने पूरा एंजॉय भी किया और आपको भी कराए। तो दोस्तों आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और दोस्तों प्लीज आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, प्लीज़ आप सपोर्ट करें। थैंक यू।